हेलो एवरीबॉडी, आज हम कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे और कूलिंग टावर के बारे में जानेंगे। कूलिंग टावर एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम क्या करते हैं, रीयूजेबल जो वाटर है उसको ठंडा करके फिर सिस्टम में यूज करते हैं। तो हमने रीयूजेबल वाटर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हो सकता है हमने जो सिस्टम में पानी गर्म हुआ है उसको कहीं छोड़ के फिर नया पानी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहां पर पानी की शॉर्टेज बहुत है वहां पे पानी को हम दोबारा ठंडा करके फिर सिस्टम में ठंडा पानी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने रीयूजेबल बोला। तो आइए हम जानते हैं कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है, कूलिंग टावर क्या चीज़ है। तो जनरली कूलिंग टावर क्या होता है, जहां पर वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है उसके साथ ही कूलिंग टावर यूज होता है। हम जैसे जानते हैं कि वाटर कूल्ड कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट में आता है, और वेपर स्टेट में आने के बाद वो पानी के साथ हीट ट्रांसफर करके रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर होता है, और जो पानी है जो ठंडा पानी इसके अंदर जाता है वो गर्म होकर निकलता है। जनरली वाटर कूल्ड कंडेंसर में दो पार्ट होता है, एक शेल पार्ट होता है, एक ट्यूब पार्ट होता है। ट्यूब में वाटर रहता है और शेल पार्ट में रेफ्रिजरेंट रहता है। तो वहां पर हीट ट्रांसफर होने के बाद पानी गर्म होता है। अब आइए हम लोग कूलिंग टावर को समझते हैं। ये जैसे मेरे वाटर कूल्ड कंडेंसर हो गया, यहां से पानी गर्म होने के बाद मतलब ठंडा पानी जाके यहाँ रेफ्रिजरेंट के साथ हीट ट्रांसफर होने के बाद पानी गर्म होके इस लाइन के द्वारा कूलिंग टावर में एंट्री करता है। कूलिंग टावर में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा स्प्रे नोजल लगा रहता है। ये स्प्रे नोजल से पानी स्प्रे होके गिरता है। स्प्रे होने से क्या होता है, पानी का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से हवा के साथ अच्छी तरह कॉन्टेक्ट में आता है और इवापोरेट होके हीट ट्रांसफर अच्छी तरह होता है, वो पानी ठंडा होने अच्छी तरह होता है। उसके बाद स्प्रे नोजल के बाद यहाँ पर लगा रहता है फिल, इसको बोला जाता है फिल। तो ये फिल क्या करता है, जो पानी बूंद बूंद पानी इसके ऊपर गिरता है, जैसे यहाँ एरो साइन दे रखा है मैंने, पानी जो बूंद बूंद बन के फिल में गिरता है, ये फिल में गिरने के बाद पानी क्या होता है, यहाँ पर स्लोली नीचे मूव करता है। ये धीरे धीरे इसका स्पीड स्लो होने के कारण फिल के अंदर वो हवा के साथ बहुत अच्छी तरह कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है कि कूलिंग टावर में ऊपर में एक फैन लगा रहता है, ये फैन क्या करता है, चारों तरफ से हवा को अपनी तरफ खींचता है। जब हवा फिल के थ्रू पास करेगा तब वो पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, और फिल में पानी का जो स्पीड है वो स्लो होने के कारण हवा और पानी का मिश्रण अच्छी तरह होगा और हीट ट्रांसफर भी अच्छी तरह होगा। अच्छा, यह फिल हो गया और ये स्प्रे हो गया। उसके ऊपर देखिए एक पार्ट हो रहा है एलिमिनेटर। ये एलिमिनेटर क्या करता है अभी बता देता हूं मैं। जब हवा यहां से फिल में होके और स्प्रे के साथ हवा निकलता है छूके पानी को, तब ये क्या करता है, छोटा छोटा पानी का जो भाप बना हुआ है बूंद है उसको भी लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है, हवा बाहर की तरफ जाने लगता है। तो उस समय अगर पानी का जो छोटा छोटा बूंद है वो अगर उस हवा के साथ लॉस हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो बिखर के गिर जाएगा और पानी का जो लेयर है टैंक में वो कम हो जाएगा। ये सिचुएशन अराइज ना हो इसलिए स्प्रे नोजल के ऊपर एक पार्ट लगाया जाता है जिसको बोला जाता है एलिमिनेटर। ये एलिमिनेटर क्या करता है, छोटा छोटा बूंद जो होता है पानी का उसको पकड़ लेता है, उसको अरेस्ट करता है, और पानी क्या करता है, सम्प में दोबारा वापस आता है। तो पानी भाप जो बना हुआ है उसमें छोटा छोटा बूंद का पानी कूलिंग टावर से लॉस ना हो इसलिए यहाँ पर एक एलिमिनेटर लगाया जाता है। उसके बाद जो कूलिंग टावर का पोर्शन है वो थोड़ा सा ओपन टाइप का रहता है और इसमें लूवर्स लगा रहता है। ये लकड़ी का होता है या पीवीसी का भी होता है, ये लूवर्स लगा रहता है। लूवर्स थोड़ा सा इस टाइप का पोर्शन का होता है, इससे क्या होता है, हवा अंदर एटमोस्फेरिक हवा जो है अंदर घुसता है और फैन ऊपर की तरफ खींचता है। ये हो गया लूवर्स। उसके बाद ये हो गया सम्प, वाटर टैंक सम्प या फिर रिजर्वर। जो पानी यहाँ से नोजल से स्प्रे हुआ फील्ड में आके ठंडा हुआ होने के बाद वो पानी आके जमा होता है यहाँ रिजर्वर में या फिर वाटर टैंक में। तो यहाँ पानी जमा होता है। यहाँ देखो एक है मेकअप वाटर और दूसरा है ड्रेन। ड्रेन क्या होता है, जब कूलिंग टावर का पानी बहुत देर तक चलने लगता है तो उसमें क्या होता है, हवा का धूल मिट्टी मिलता है या फिर पाइपलाइन के चलने के बाद उसमें आयरन के पार्टिकल या फिर जो पानी में खनिज नमक होता है उसके मिश्रण होके पानी यहाँ आता है। आने के बाद उसमें आयरन का या फिर कोई भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो उस पानी को हम कंटिन्यूस अगर यूज करेंगे तो वो
जो वाटर कूल कंडेंसर है उसके पाइप को जम करेगा, और जम करने के बाद उसमें स्केल फॉर्मेशन होगा और कंडेंसर का जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे डाउन होगा। तो इसलिए ऐसा ना हो तो ऊपर का जो कंसंट्रेटेड वाटर है उसको मेरे को यहां से ड्रेन करना जरूरी होता है, जिसको ब्लीड अप वाटर भी बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलता है। तो यहां पर एक वाल्व लगा होता है, इससे अगर खोल देंगे तो पानी निकल जाता है। तो यहां से पानी जब ड्रेन होकर निकल जाता है तो ऑब्वियसली इसमें पानी का लेयर गिरेगा, पानी शॉर्टेज होगा, ये सिस्टम भी अराइज ना हो इसलिए यहां पर एक मेकअप वाटर लाइन दिया गया। इससे क्या होता है, एक वाल्व को ऑपरेट करके हम इसमें मेकअप वाटर डालते हैं। मेकअप वाटर क्या करता है, जितना भी पानी का लेयर यहां से गिरेगा कुछ तो पानी लॉस होगा, हल्का फुल्का लॉस होता ही है, और यहां से ड्रेन ब्लीडिंग करने के बाद भी पानी लॉस होता है। उसके बाद मेकअप वाटर के सप्लाई से यहां पानी जितना भी लॉस होता है उसको भरपाई कर दिया जाता है। फिर यहां से पानी जो पानी ठंडा हो गया उसको अब हम क्या करेंगे, वाटर पंप के द्वारा यहां से सक करके टैंक से लेके इसको फिर वाटर कूल कंडेंसर में डालेंगे। तो यहां से जो पानी एंटर होगा ये रहेगा ठंडा कंडीशन में, जाने के बाद वो रेफ्रिजरेंट के साथ हीट ट्रांसफर करके फिर गर्म होगा, फिर यहां से पानी जो है निकलेगा। तो ये था कूलिंग टावर के डिफरेंट पार्ट्स और कूलिंग टावर कैसे काम करता है। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो ऊपर में एक फैन लगा हुआ है, बहुत सारा का रेफ्रिजरेंट सॉरी कूलिंग टावर ऐसा होता है जिसमें ऊपर में फैन नहीं लगा होता है। तो एक्चुअली ये कूलिंग टावर जो है वो बहुत टाइप का होता है, ये जैसे इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप का है, फोर्स ड्राफ्ट टाइप का है, फिर नेचुरल कूलिंग है, जिसमें भी मैकेनिकल ड्राफ्ट है मतलब जिसमें ऊपर में या साइड में फैन लगा होगा वो मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप का कूलिंग टावर हो गया। ऐसा भी कूलिंग टावर अवेलेबल है जिसमें फैन नहीं है, उसमें नेचुरल एयर क्या करता है, नेचुरल एयर जाके पानी को ठंडा करता है। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। लेकिन कूलिंग टावर का जो मेन फंक्शन है, मेन वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैसे यहां पर वाटर कूल कंडेंसर से गर्म पानी इसमें आएगा, आने के बाद स्प्रे नोजल फिल और लूवर्स में जो हवा का कॉन्टेक्ट में पानी आएगा उससे पानी ठंडा होगा, होके सम्प में आके जमा होगा, वहां से फिर पंप के द्वारा वाटर कूल कंडेंसर में डाला जाता है। तो ये था कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल और इसका जो डिफरेंट पार्ट्स है वो आज हमने जाना, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर करूंगा आप लोग आपके क्वेश्चन को। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।